तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक में फैसला लिया गया। इस बैठक में आपदा स्वास्थ्य समेत कई विभागों के अफसर भी शामिल हुए। लॉकडाउन में शाम 6 बजे तक मार्केट खुले रहेंगे, जबकि कंटेनमेंट जोन में प्रशासन शक्ति बरतेगा। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में 16 जून से लॉकडाउन लागू है, जबकि पटना में 10 जून से लागू है। 6 सितंबर तक बिहार बंद रहेगा। 6 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया और जो इसके पहले नियम थे, नियम सभी वही रहेंगे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खुले रहेंगे, शर्तों के साथ दुकान और बाजार खुलेंगे। जिले में दुकानों को लेकर डीएम ने आदेश जारी किया है और आगे आदेश जारी किया जाएगा। शॉपिंग मॉल की बात की जाए तो शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई भी धर्म स्थल नहीं खुलेंगे, स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट होम डिलीवरी भी किया जा सकता है, पार्क और जिम पर ताले लटके रहेंगे। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी, प्रदेश भर में बस सेवा पर भी रोक लागू रहेगी। टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं है, क्योंकि ये जो नियम है ये पहले भी यही नियम थे और उन्हीं नियमों के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन को अलग रखा गया है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पुलिस, महकमे को छूट दी गई है। तो लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है 6 सितंबर तक। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं बिहार में। इसके पहले भी लॉकडाउन था, लेकिन कई बार ऐसे तस्वीरें हम आप लोग को दिखा रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, क्योंकि जो नियम है उसमें अगर मार्केट खुलने की बात की जाए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, लेकिन कई बार 6 बजे के बाद भी मार्केट खुले रहे और इस बार प्रशासन और भी सख्ती के साथ इन नियमों को लागू करवाने की बात कह रही है।